दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन, अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में। अफर्मेटिव टू इंटरगेटिव सेंटेंस बता चुके हैं, अगर उसको वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी भी गाइस ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली अगर आप स्टूडेंट है तो मतलब 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसको आपको समझने की आवश्यकता है कि अफर्मेटिव से हमें निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। मेरे भाई अफर्मेटिव से इंटरगेटिव सेंटेंस खत्म कर चुके हैं, अगर उसका देखना है वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक है, वहां से वॉच कर लीजिए, तभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आएगा पूरी तरीके से। आइए देखते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो रूल ये कहता है, देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कैसे क्या है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है कि मोहन अलोन Got the prize। अब इसको चेंज करना है, एग्जाम में कैसे पूछेगा, सामने ऐसे कोष्टक में लिखा रहेगा कि चेंज करिए मेरे भाई नेगेटिव सेंटेंस में, एग्जाम में ऐसे पूछता है नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो क्या रूल है, रूल ये कहता है कि जब भी सेंटेंस में अलोन या वर्ली शब्द आ जाए, केवल दो वर्ड याद रखिए, जब भी सेंटेंस में अलोन या वर्ली शब्द आ जाए और जब उसको हमें चेंज करना होगा नेगेटिव सेंटेंस में, तो हमें नन बट लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना मेरे भाई। क्या करना है, नन बट लगा देना है। जैसे यहाँ पे देखिए अलोन शब्द आ गया, क्या आ गया, अलोन शब्द आ गया। अब जब यहाँ पे अलोन शब्द आ गया मेरे भाई, तो आप भी क्या करोगे, सबसे पहले लगा दीजिए नन बट। अब यहां से अलोन या वल्ली शब्द को आपको हटा भी देना है, अलोन या वल्ली शब्द को आपको हटा भी देना है, हटा दीजिए। नन बट लगाने के बाद जो भी बचा लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मोहन गॉट द प्राइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉट द प्राइज। ये आपका चेंज हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे अगर यहां पे लिखा है, सेकंड एग्जांपल अगर यहां पे लिखा है, जैसे वर्ली गुड गर्ल्स कैन गेट गुड मार्क्स। अब देखिए यहां पे कैसे करना है मेरे भाई, अब यहां पे देख लीजिए, वर्ली गुड गर्ल्स कैन गेट गुड मार्क्स, केवल अच्छी लड़कियां ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकती हैं। तो यहां पे देखिए अलोन आ गया, वल्ली आ गया, मतलब अलोन या वल्ली चाहे जहां पे आए, चाहे पहले आए, चाहे बीच में, चाहे लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे आपका नन बट। सबसे पहले क्या लगाएंगे, नन बट लगाएंगे। तो यहां पे लगा दीजिए आप नन बट, और वल्ली को यहां से हटा भी दीजिए, गायब कर दीजिए। फिर क्या लिखेंगे, गुड गर्ल्स कैन गेट गुड मार्क्स। आप लोग इसका, कुछ लोग अर्थ भी पूछेंगे सर इसका अर्थ क्या होता है ये बता दीजिए, तो मैं आपको इसका अर्थ भी बता देता हूं। देखिए अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर देखिए मोहन अलोन गॉट द प्राइज, केवल मोहन ने ही पुरस्कार प्राप्त किया, और इसका हो जाएगा नन बट, मतलब कोई और नहीं बल्कि, तो नन बट मोहन गॉट द प्राइज, कोई और नहीं बल्कि मोहन ने ही क्या पुरस्कार प्राप्त किया। यहाँ पे अच्छी लड़कियां ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकती हैं, इसका वजह कोई और नहीं बल्कि अच्छी लड़कियां ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकती हैं। तो ये अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बदला जाए। आइए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, वही सेम प्रोसेस है, क्या करना है। अब नियम यह कहता है कि जब भी सेंटेंस में एज सुन एज का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, एज सुन एज का प्रयोग हो, आपको उसकी जगह नो सुनो का यूज करना, फिर देन भी लगाना है। कैसे करना है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे अगर यहां पर लिखा है कि एज सून एज ही सा ए स्नैक, ध्यान दीजिएगा जो मैं लिख रहा हूं, एज सून एज ही सा स्नैक, फिर यहां पे फुल स्टॉप है, उसके बाद यहां पे लिखा है ही रेन अवे। अब कैसे करना है मेरे भाई, देखिए अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या रूल है, यहां पे आ गया आपका एज सुन एज, अब जब यहां पे एज सुन एज आ गया तो आपको इसके स्थान पे तुरंत लगाना है नो सुनर, तो यहां पे लगा देंगे मेरे भाई नो सुनर। लगाने के बाद अब देखिए ही सा अ स्नेक, अब आपको यह देखना पड़ेगा किस टेंस में है, तो आप कहेंगे ये पास्ट का इंडिफिनिट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म लगा है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है मेरे भाई डिड होता है, अगर आप पढ़ेंगे टेस्ट आपको मालूम होगा। यहाँ पे डिड लगा दीजिए, डिड लगाने के बाद यहाँ पे ही लगा दीजिए, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा, तो नो सुनर डिड ही सी, उसके बाद यहाँ लिखेंगे ए स्नैक,
स्नैक लगाने के बाद यहाँ पे देखने मिलेगा देन लगाना है। देन कब लगाना है, जहां से दूसरा वाक्य शुरू हुआ है उसी के बीच में आपको लगाना है देन, और देन ही रेन अवे आप लिख दीजिए, आपका सेंटेंस चेंज हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। एक और एग्जांपल देखते मेरे भाई, एक और एग्जांपल है, जैसे बोलना पड़े, जैसे यहां पे अगर लिखा है कि एज सून एज द टीचर स्कोल्डेड ए बॉय क्रिस्टोफ ही बिगेन टू क्राई। अब यहां पे देखिए एज सून एज आ गया मेरे भाई, तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले एज सून एज के स्थान पे आपको नो सुनर लगा देना है। नो सुनर लगाने के बाद स्कोल्ड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म स्कोल्डेड है, मतलब कि ये जब पास्ट में जाएगा तो डिड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे द टीचर है तो आप यहाँ पे द टीचर लिख देंगे। लगाने के बाद यहाँ पे स्कोल्डेड नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, स्कोल्ड का यूज करेंगे। स्कोल्ड लगाने के बाद फिर हम लिखेंगे ए बॉय, और यहाँ पे जहां पे फुल स्टॉप है वहां पे लगाना हमें देन। देन लगाने के बाद ही लिखेंगे ही बिगेन टू क्राई हो जाएगा, ही बिगेन टू क्राई। उम्मीद करते हैं आपको ये अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा, और ये 8वां एपिसोड है। अगर आप बाकी एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वॉच कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सी यू। जय हिंद, थैंक यू गाइस।